राजधानी दिल्ली समेत देश भर में कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बात करें दिल्ली की तो अब तक राजधानी में ओमिक्रॉन के 22 मामले सामने आ चुके हैं और उससे भी डराने वाली बात तो यह है कि दिल्ली में रोजाना आने वाले कोरोना के आंकड़े 100 को पार कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली वालों को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। खासकर बाजारों में उमड़ रही बेतहाशा भीड़ को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही दिल्ली वाले हैं जिन्होंने दूसरी लहर का खतरनाक मंजर देखा, अस्पतालों के अंदर और बाहर अपनों को दम तोड़ते देखा। क्या सरोजनी नगर की मार्केट, क्या सदर बाजार और क्या दिल्ली का ऐतिहासिक चांदनी चौक बाजार, कहीं भी कभी भी चले जाइए, पैर रखने तक की जगह नहीं है। यकीन नहीं होता तो सरोजनी नगर मार्केट की इन तस्वीरों पर ज़रा गौर फरमाइए। भीड़ देखकर लगेगा ही नहीं कि दिल्ली में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। और लापरवाही का आलम तो यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, चेहरे पर मास्क तक नहीं मिलेगा और जिसने मास्क लगा भी रखा है उसका लगाना ना लगाना एक बराबर है। चलिए आप ये देखिए, तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि पीछे महिलाएं हैं, चेहरे पर किसी प्रकार का कोई मास्क इन दोनों के चेहरे पर फिलहाल आपको जो है वो नजर नहीं आएगा और बेपरवाह यहाँ पर है। आपके चेहरे पर मास्क नहीं है, क्यों मास्क नहीं है? आपको लगता नहीं कि जरूरी है मास्क लगा रहे? आपके भी चेहरे पर भी मास्क नहीं था, नहीं आप नीचे था जरूर। जब थोड़ा सा दम घुटता है तब इसमें सांस लेनी पड़ती है, इसलिए कि जरूरी है मास्क, लेकिन फिर भी कई सारे लोग जो है वो मास्क के बगैर जो है वो नजर आएंगे। आप देखिए यहाँ 20 सड़क पर एक शख्स जो है वो अपना सामान जो है वो बेच रहा है, उसके चेहरे पर भी मास्क नहीं, और यही बेपरवाही जो है वो लोगों के लिए तीसरी लहर को न्योता जो है वो दे सकती है। और लोग बेपरवाह होकर दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के बाजारों में इस तरीके से घूमते हुए नजर आ रहे हैं और व्यापारियों में एक बार फिर लॉकडाउन का जो डर है वो सताने लगा है। सरोजनी नगर मार्केट में इस लापरवाही को लेकर जब हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा ने मार्केट के अध्यक्ष अशोक रंधावा से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर सच पूछे तो हम लोगों को बहुत डर लगा हुआ, क्योंकि पिछली बार भी जब दो बार वो लॉकडाउन हुआ था तो हम लोगों की कमर अभी तक सीधी नहीं हुई थी। हालांकि एक तरफ देखा जाए तो हम लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगा कि ये फेस्टिवल टाइम में हमारा काम थोड़ा बहुत हुआ, पर इस तरीके का क्राउड देख के जो है अब डर लगने लगा कि कहीं फिर से ये तीसरी लहर की जो दस्तक हुई है कि उसकी वजह से लॉकडाउन ना हो जाए। हम लोग अपनी दुकान के जुम्मेवार है, दुकानों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग हम लोगों ने रखी हुई है, पर ये जो बाहर की जो ये पब्लिक ये जो भीड़ हैगी इसको रोकने के लिए तो प्रशासन का काम हैगा ना, पुलिस का काम हैगा। हमने डीएम को लेटर भी लिखा हैगा कि भाई सिविल डिफेंस वाले यहाँ पे जो पहले चलान करते थे 40-50 लोग आए और वो देखे यहाँ पे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत क्राउड रुकेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो कुछ इसी तरह का नजारा हमें एशिया के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार में भी देखने को मिला, जहाँ की भीड़ के बीच शायद ही तिल रखने को भी जगह ना हो। लोग तो लोग, यहाँ तो सामान बेचने वाले दुकानदार भी बेखौफ बिना मास्क के तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। सदर बाजार में लोगों और दुकानदारों की इस लापरवाही को देखते हुए सदर बाजार के अध्यक्ष राकेश यादव का क्या कहना है वो सुनिए। हमने ओमिक्रॉन से अपने आप को बचाने के लिए, अपने व्यापार को बचाने के लिए वो अपनी एसोसिएशनों के थ्रू, व्यापारियों के थ्रू वो सभी इंतजाम किए हैं, सैनिटाइजेशन का हुआ हो, मास्क का हुआ हो, और हमने इस बात के प्रॉपर इंतजाम किए हैं कि सभी लोग वैक्सीनेटेड हों। लेकिन हमारी सरकार से, पीडब्ल्यू से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट है कि सड़क को बिल्कुल एनक्रोचमेंट फ्री कर दें ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। सोशल डिस्टेंस इज द की ऑफ सक्सेस ऑन जो नया वेरियंट आया है कोरोना से बचने के लिए, सरकार इसके लिए सब कदम उठाए। डीएम साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है, पीडब्ल्यूडी से रिक्वेस्ट है, सभी से कि सभी मार्केटों में, चाहे वो दुकानदार की एनक्रोचमेंट हो, चाहे वो पटरी वाले की हो, चाहे किसी की भी हो, रोड बिल्कुल क्लियर कर दें ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके और हम सब लोग कोरोना के नए वेरिएंट से जीत सके ताकि हमारी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। यानी तीसरी लहर के खतरे के बीच दिल्ली वालों को अपनी जान से ज्यादा खरीदारी की चिंता है, व्यापारियों को अपना सामान बेचने की नियम कायदों के सवाल पर व्यापार संघ दिल्ली पुलिस और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर देता है। इन सबके बीच बाजारों में प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी का आलम यह है कि शायद दूरबीन लेकर भी खोजें तो आपको कहीं ना मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,
दिल्ली तक।